नमस्कार, आप देख रहा रेडियो न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एक बार फिर सीएम नीतीश के पलटी मारने की खबर जंगल में आग की तरह भड़की हुई है। जी हां, हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा। दरअसल इन कयासों, इन अफवाहों को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद बल मिला। जी हां, और इस बीच आरजेडी के विधायकों और सांसदों, जिला के अध्यक्षों और तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक ने इसे और हवा देने का काम किया। तो चलिए सुनते हैं आरजेडी विधायकों का सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहना है। तो बैठक बुलाई गई है, पार्टी की बैठक है, आज हम लोग आए हैं मिलने। अचानक वगैरह नहीं है, ये रूटीन बैठक मुलाकात और आज बैठक आप लोगों की, क्या मायने इसके निकाले? इसका कोई मायने नहीं है, इसका राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश मत कीजिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और पारंपरिक रूप से नेता प्रतिपक्ष राजहित में, यदि राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने गए तो इसमें राजनीति अलग तरह की राजनीति निकाले। आज किस विषय पर बैठक है? तो आज रूटीन बैठक है माननीय विधायकों का। पक्ष के नेता है, मुख्यमंत्री है, तो कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। अरे तो हो ही रहा है, क्या होगा, क्या लग रहा है के बाद क्या होगा क्या नहीं? अभी तो मीटिंग हो रही है, ये सब कुछ बात नहीं है। ये तो अपना मान लेते हैं कि सब क्या होगा क्या नहीं, हम लोग क्या, अभी तो मीटिंग। आप लोग अचानक कल तेजस्वी जी मुलाकात कर रहे, नीतीश जी द्वारा बैठक बुला ली गई है? हाँ, तो सब लोगों को पता है कि हमारे नेता विरोधी दल का पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में कार्यकर्ता संवाद होने का निर्णय हुआ है, तो उसी के संदर्भ में दिशा निर्देश होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा, किस तरह से इसको करना है, जो भी पार्टी का निर्देश होगा उस हिसाब से उसी की विस्तृत चर्चा होगी कि संवाद का, कार्यकर्ता संवाद का उद्देश्य क्या है, इसको किस तरीके से करना है, किन लोगों के साथ ये बैठक करेंगे और तमाम चीज़ों पर अभी विमर्श होगा, तभी बता पाएंगे। तेजस्वी यादव की मुलाकात और आज बैठक, क्या अंदर से में कोई राजनीतिक नहीं? यह बैठक पहले से निर्धारित है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मुलाकात हुई, इससे पूर्व से ही, आज से 3-4 दिनों पहले ही यह निर्धारित हो गया था कि आज हम लोगों की बैठक है और उस बैठक के तहत हम लोग आए हैं। कल मुलाकात उनकी हुई है, किस संदर्भ में हुई है मीडिया के लोग बेहतर जानते होंगे। हम लोगों की कोई मुलाकात नेता से नहीं हुई है उसके बाद, किस विषय पर हुई है, जनगणना जो हुआ है, जो 9वीं अनुसूची में भारत सरकार शामिल नहीं कर रहा है, तो उस पर मुख्यमंत्री का क्या पक्ष है, वो सब पर चर्चा क्या है, वो सब हम लोग को। अचानक आप लोगों को बुलाहटा? ये हमारे नेता का जो 10 तारीख से यात्रा है, हाँ, उस पर और संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी चुनाव को लेकर के बैठक हुई। कल नीतीश कुमार से मुलाकात और आज आप लोगों को बुलाया गया, कहीं बड़ी सुगबुगाहट तो नहीं खेल गए? बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, नेता प्रतिपक्ष हो या MLA हो, सबको अपने क्षेत्र का, बिहार का विकास का चिंता है, उस सिलसिले में हमारे नेता मिलने गए। अंदर के में खेल करने की तो तैयारी है, इधर भी देखिए विकास के लिए साथ भी आ सकते हैं क्या? अब देखिए, इस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो मुलाकात हुआ था राज्य के विकास के लिए बुलाया गया है। और कल तेजस्वी यादव जी नीतीश जी से मुलाकात भी हो गया? हम लोगों को तो बुलाया गया है, बैठक है, यात्रा को लेकर बैठक है, जो अभी माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी पूरे बिहार भ्रमण में जाना है उसकी तैयारी को लेकर बैठक है, और CM साहब से मिले हैं तो उसका तो बयान हमारे नेता आप लोगों को दे ही चुके हैं। जनता जो है वो किसी का अपना रखेल तो है नहीं, सत्ता तो जनता के हाथ में होती है, जब चाहेगा बदल देगा। तो लालू जी की बात अगर देश के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत को भाएगा तो जरूर देश में जातीय जनगणना। आज की मीटिंग सर किस लिए बुलाई गई? बताया तो कल नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात और आज बैठक। विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका यही होती है ना कि भाई बिहार में घटनाएं हो रही हैं, बिहार में दलित बेचारा असहाय है, अगर दलित असहाय नहीं होता तो वो
अशोक चौधरी चुप बैठ जाते क्या? नहीं बैठते, तो देख लिया ना कि दलितों में कितनी ताकत है। अशोक चौधरी ने बिहार को यह बता दिया कि दलितों में कितनी ताकत है, अगर एक शब्द बोलोगे तो कुचल दिए जाओगे। यह संकेत मिल गया पूरे देश को और बिहार को। तो यह सब चीज़ के लिए तो बैठक करनी पड़ेगी पार्टियों को कि अगर किसी दल में कोई दलित का बेटा ने अगर कोई शब्द बोला है, उसको बिना समझे अगर उनको कुचलने का प्रयास कर रहे हो तो बैठ के तो बुलानी पड़ेगी। आपका समर्थन है अशोक चौधरी को? यहाँ बात समर्थन का हुआ, यहाँ बात ये हुआ कि क्या 75 साल बाद भी देश में बिहार में कोई दलित का बेटा कोई अपनी मन की बात रख सकता है कि नहीं। और यह बिल्कुल आईने की तरह दिख गया कि नहीं, कोई दलित का बेटा अपने मन की भावना की बात नहीं रख सकता। यह दिख गया, पूरे दुनिया ने देखा, बिहार के लोगों ने देखा। बिल्कुल आएंगे तो क्यों ना करेंगे वेलकम, वेलकम करेंगे बिल्कुल। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है, इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, देखिए वो तो नेता का बात है। हमारे नेता जो है दिल के खुले हैं व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका हर समय दरवाजा खुला रहता है, आने के लिए किसी को मना नहीं है। नीतीश कुमार आ सकते हैं? अभी कैसे बता सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी मीटिंग में बात उनको लेकर कुछ चर्चा हुई? नहीं 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 संगठन पर बात हुई और कोई बात नहीं। क्या कुछ है बैठक है, विधायक दल का बैठक है जी, और सब बैठक होते रहती है जी। नहीं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले तब से गर्माहट हो गई है। अरे तो कोई काम होगा जाके मिलोगे, गर्माहट क्या बात है? नहीं, कुछ बड़ा खेल होने वाला है क्या? मुख्यमंत्री हैं, कुछ बड़ा खेल होने वाला है? लगा रहता है, बैठकें लगातार होती हैं, लेकिन चुनावी गहमा गहमी के बीच इतनी बड़ी बैठक, विधायक दल की बैठक जाहिर है, चर्चा तो होगी, सब होते रहती है विधायक दल की जी। बहुत दिन हो गया था, आज विधायक दल की बैठक है जी, कोई बात है नहीं।